भाई चेक करिए सामने व्यू, हम लामायुरु में हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है। जिस होटल में रुके हैं यहाँ से लोकेशन देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए सामने, आपको नीचे आके दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, क्या है आप सभी का? फुल जी आप सब बढ़िया होंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं और आज निकलने लगे। आज हमारा पांचवा दिन है यहाँ पे और इस टाइम हम है लामायुरु में। हम ले इसलिए नहीं गए एक्चुअली, यहाँ पे जो लोकेशन वगैरह है वो हमने थोड़ा वीडियोस वगैरह बनानी थी, तो क्योंकि रात को सारा लोकेशन विजय फटोला पास था वो भी मिस कर दिया हमने। सो अभी हम जिस होटल में है ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पे होटल की। होटल का नाम है लामायुरु गेस्ट हाउस। रूम बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइस में है। ये देखिए सुबह से अभी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और आपको जब तक मैं व्यूज वगैरह दिखाता हूँ। आप देखिए ये सामने मेरी बाइक खड़ी है, जो सामने ओनर है मैम, ये भाजी साढ़े, गाइस चेक करिए ये व्यू, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू है। बहुत ही अच्छी है, ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पे सामने। देखिए गाइस नीचे बच्चे देखिए कितने स्कूल जा रहे हैं। सामने गाइस चेक करिए, हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलने लगे हैं। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं रास्ते में, दिखाते हैं व्यू वगैरह और ले पहुँच जाएंगे आज। बस रूम से निकल चुके हैं, अभी टाइम हो चुका है हमारा 11-12 बजने वाले हैं और बाइक हमारी वार्म अप हो रही है और सामने मेरे लिए खड़ी है और थार खड़ी है। सब रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलने लगे हैं। वही चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, ऐसे ही प्यार करते रहे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब वगैरह सब कर रहे हैं अच्छी तरह, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहे हमारे को। सो वही चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बाइक हमारी वार्म अप हो चुकी है और यहाँ से निकलने लगे हैं, सभी निकलने गए हैं और सामने हमारा होटल है और यहाँ से हम निकल चुके हैं और हमने जाना है नीचे की तरफ। और सबसे पहले आएगा मैग्नेटिक हिल, फिर आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा और फिर आएगा ले। तो भाई चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यू। सुबह सामने चेक करिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और हम लामायुरु से निकल चुके हैं और ये मेरी बाइक है, सामने व्यू चेक करिए गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा पड़ रही है यहाँ पे, सामने चेक करिए गाइस, ये टूरिस्ट देखिए कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, अंकल आंटी जी देखिए। अच्छे अच्छे और ले में पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यू, अच्छे अच्छे लोकेशन है। जो भी हमारी वीडियो देख के आ रहा है, तो आपने अगर फर्स्ट टाइम आना है तो आप श्रीनगर की तरफ से आए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तरफ से। एक्चुअली वहाँ से रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी रोड ख़राब है और वो ख़राब थी वहाँ पे जटीला पास में, थोड़ा सा ही था, आधा किलोमीटर था थोड़ा सा रोड ख़राब, बट ज़्यादा नहीं था। और उसके बाद वहाँ पे 0 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे अपने कपड़े। सो भाई ये चेक करिए, हमने नीचे जाना है और यहाँ से ये चेक करिए लोकेशन कितनी अच्छी है यहाँ से। और हमने यहाँ से ऐसे घूम के वहाँ से ऐसे होके ऐसे नीचे जाना है। और गाइस सामने चेक करिए आप, हमने इसी रोड से जाना है अंदर को। वही चलते हैं, आपको मिलते हैं रास्ते में और मचाते हैं धूम। और सामने खड़ी है हमारी जान, बहुत साथ दिया गाइस इसने मेरा।
करें गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और हमने चेक पॉइंट पे एंट्री कर दी हुई है, यहाँ से जा रहे हैं। ओके भैया झूले, ठीक है, थैंक यू। सो गाइस माइक हमारे को मिल चुका है, लामेउरु के आगे थोड़ा मार्केट आई थी, वहाँ से हमने माइक ले लिया, एक और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने साथ में। और अब गाइस चलते हैं आगे को, तो गाइस यहाँ पे हमारा 500 रुपये का तेल डला और टैंकी फुल हो गई। एक्चुअली 4 डंडियाँ थी, 3 डंडी नहीं थी, और 500 का तेल डल के पहले टैंकी फुल हो गई हमारी। और यहाँ से निकलते हैं, और ये लामेउरु से आगे खासी गांव है, तो यहाँ से हमने तेल फिलअप करवा लिया। एक्चुअली ले मैंने पहुँच जाना था उसी भी पेट्रोल पे, और वहाँ से भी जाके मैंने मेरा पेट्रोल था, बट कोई बात नहीं, यहाँ से हमने फिलअप करा लिया और हम फ्री हो गए, टेंशन फ्री हैं अब। और यहाँ से चलते हैं, और सामने का इस लोकेशन देखें आप, माइक भी हमारा चल चुका है। सो गाइस चेक करें सामने, वैसे ऐसे 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 हमने वहाँ पे जाना है। गाइस अभी मैं हो गया हैप्पी क्योंकि मेरा माइक चल चुका है और मैंने एक एक्स्ट्रा भी ले लिया साथ में। गाइस जिस चीज़ के लिए हम आए हैं यहाँ पे, व्लॉगिंग के लिए है ना, घूमने, एक मेरा जो सपना था कि मैंने ले जाना है जाना है जाना है, अपनी बाइक पे ही जाना है, मैंने कोई रेंट पे नहीं लेनी। सो मैंने अपनी बाइक भी ले ली थी और आज अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ, और मैं उसी ड्रीम की वादियों में, सड़कों पे, माउंटेन के बीच में घूम रहा हूँ। और देखिए गाइस कितना अच्छा अच्छा मौसम है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा है, कोई टेंशन, एक कहते हैं ना टेंशन फ्री लाइफ जी रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस यही लाइफ मेरे को चाहिए, इन फ्यूचर कुछ करेंगे हम। और आप सामने चेक करें गाइस, तो गैस मैंने आपको बताना था कि अगर कोई भी पंजाब से, हमारे लुधियाना से, कहीं से भी आ रहा है, अगर मेरी वीडियो देख रहा है कोई कि वो ले आना चाहता है, तो अब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ से आए, एक्चुअली वहाँ से अगर आप ले की तरफ आओगे तो रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख ही रहे होंगे मेरी वीडियो, बिल्कुल पैच ख़राब नहीं है। माड़े मोटे पैच ख़राब होते हैं, चलो वो कोई बात नहीं, आधा किलोमीटर किलोमीटर के पैच ख़राब होते हैं। और सबसे ज़्यादा पैच ख़राब था एक वहाँ पे था जो जिला पास, उससे थोड़ा सा पीछे सिर्फ आधा किलोमीटर का पैच ख़राब था, चीकड़ वगैरह था। एक्चुअली वहाँ पे सड़क बन रही है, वो भी बन जाएगी, आप जब तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो सड़क बन जाएगी शायद, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ था बना के, और बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से वो सीमेंट वगैरह सारा घुल गया पानी में और सारा पाँच चीकड़ चुकड़ हो गया वहाँ पे। सो और हमारी बाइक वगैरह इतनी गंदी हो गई थी कि पूरा सीमट जम गया था, कि इतनी मोटी मोटी पापड़ी जम गई थी हरेक जगह, मेरे बूट तक इतने गंदे हो गए थे, आपको मैं वीडियो में आपने देखा होगा मेरे। सो तो आप वहाँ से आइए, और पेट्रोल की आप टेंशन मत लेना, अगर आप बोलोगे टैंक हमने ले, एक 5-5 लीटर के टैंक बाइक पे रखने हैं, आप बाइक पे आप टैंक रखें, श्रीनगर से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप उस टैंक में अपना पानी रखें पीने के लिए, पानी की आपको बहुत ज़्यादा लोड है। पेट्रोल है तो पेट्रोल आपको हर एक जगह मिल जाएगा, ले तक पेट्रोल ही पंप है, पेट्रोल पंप है, आपको टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है, आपको पेट्रोल ही पंप मिलेंगे रास्ते में। आप कहाँ पे भी अगर आपका 3-4 डंडियाँ कम हो रही है तो आप वहाँ पे फिल करवा सकते हो। अगर मेरी अब इसमें डंडियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो जब मेरी 3 डंडियाँ गाइस ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर फिलअप करवा लेता हूँ, 500 रुपये का पड़ता है 3 डंडी आ जाती है मेरी। तो फिर हम निकल चलते हैं ऐसी वादियों में,
सो देखिए आप, और हम बाइक पे खड़े होते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। एक्चुअली गाइस मेरे नीचे स्टैंड है, ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। सो ये देखिए, आप ऐसे व्यू एंजॉय कर सकते हो। आप बैठ के थक गए तो आप थोड़ी देर खड़ सकते हो, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर कर सकते हो। सो गाइस चेक करिए आप, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हैं यहाँ पे। तो भाई जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो चुका हुआ है, और ले पहुंचने वाली हैं हम, आपको दिखाएंगे मैग्नेटिक हिल और पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ले पहुंच के कुछ शॉपिंग करेंगे घर वालों के लिए। भाई आज मेरा पांचवा दिन है, और फर्स्ट डे हम लुधियाना से तुरे थे और हम जम्मू में जाके हमने स्टे किया था। एक्चुअली वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी और हमारे को पता लगा कि आगे लैंडस्लाइड होने लग गया हुआ है, तो इसलिए हम रुक गए। और एक्चुअली पत्थर हमारे सामने भी गिरा था ऊपर से, तो हमने वैसे डिसाइड किया कि मैंने जाना ही नहीं आगे, अब जो मर्जी हो जाए, बारिश पड़ रही। तीन बज रहे थे उस टाइम, सो मैंने वहीं पर हमने स्टे कर लिया। एक्चुअली टेंट वगैरह तो हमारे पास है ही, इसलिए वहाँ पे जगह थी, कैफ़े बना हुआ था, वो कैफ़े बंद था और बिल्कुल खाली था अंदर से। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, और हमने वहीं पे टेंट नहीं लगाए थे, हमने वहाँ पे गद्दे वगैरह अपने जो मैट थे वही बिछा के वहीं पर रोटी वगैरह हमने सारा कुछ जो खाना पीना था हमने वो बनाया और हमने खा लिया था। बिल्कुल ठंड नहीं लगी, सिर्फ गर्मी लगने लगी थी रात को। सो गाइस यहाँ से ले चुका है ओनली 30 किलोमीटर, और ये देखिए आप खूबसूरत वादियाँ। गाइस आप लोग बोस, सो गाइस ये आप चेक करिए लोकेशन कितनी अच्छी है, सीधी रोड है और माउंटेन इतने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। देखिए कलर कैसा है, और यहाँ देखिए कलर ब्लैक है, ऊपर बर्फ है और यहाँ पे ब्राउन कलर है, और रोड देखिए सीधी सीधी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पीछे एक्चुअली अंकल लोग आए हुए थे रायपुर से टैक्सी करके, और उन्होंने मेरे को रोक लिया था और फोटो वगैरह खिंचाने लग गए, और मेरा चैनल भी उन्होंने सब्सक्राइब किया। ऐसे अच्छा लगता है, लोग रोकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं हमारे साथ, यही तो कमाने आए हैं हम यहाँ पे, प्यार लोगों का। तो भाई चेक करें यहाँ पे लोकेशन कितनी अच्छी है, खड़े होते हैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है। गाइस देखे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक हिल पहुंचने वाले हैं यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल, सो देखिए गाइस, कहते हैं ना सपने अगर देखने हैं तो सपने देखो तभी वो पूरे होंगे। सो गाइस देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है, सभी लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए गाइस मैग्नेटिक हिल है, गाड़ी पता नहीं अब कैसे आगे जाती है, क्या करती है। सो गाइस चेक करें, सो हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल,
एक्चुअली सच में यहाँ से पीछे, एक्चुअली मैंने बाइक खड़ाई और सीधी पीछे जाने लगी थी। मैं रोड दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सीधी रोड है। सो गाइस देखिए, हम पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल। गाड़ियाँ पीछे जाती हैं और देखते हैं, जैसे मैंने अपनी बाइक खड़ाई थी पीछे, और पीछे जाने लगी थी। बाकी देखते हैं क्या करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए तो ये देखिएगा कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, मैग्नेटिक हिल। वैसे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ आपको कि ड्रीम पूरे हो रहे हैं सारे। ड्रीम तो पूरा हो ही गया हुआ है। मैग्नेटिक हिल पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा आगे ले है और सामने बर्फ के पहाड़ है। खाते हैं आपको, कल चलेंगे आई थिंक पेंगोंग या खारतुंगला। लिप्स वगैरह सारे फट गए हुए हैं, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है यहाँ पे। पानी वगैरह साथ में पी रहे हैं, जैकेट में है पानी, ये पाइप लगी हुई उसकी। तो ये देखिए गाइस, ओ सामने जाना है लेक की तरफ और सामने बर्फ के पहाड़ हैं। तो वैसे अभी हम चढ़ाने लगे हैं, सामने ऊंचाई पे अपनी बाइक और थार भी ऊपर से आगे नीचे आ चुकी है। जीटी चल गई है और मैं अपनी भी लेके जा रहा हूँ। ऊपर जाके कुछ फोटो शूट वगैरह लेते हैं। सो गाइस देखें हमारा झलक झलक झलक, ओ जल्ला, ओ झलक झलक, ओम ओम ओम। सो गाइस, फर्स्ट बाइकर मैग्नेटिक हिल के ऊपर, उसके जो सामने पहाड़ है वहां पे बाइक मैंने अपनी चढ़ा दी हुई है। ऑक्सीजन थोड़ा कम है यहाँ पे, थोड़ा पानी वगैरह पी रहा है, साथ थोड़ा चढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं है, दवाई वगैरह खाई हुई है हमने। और एक्चुअली 350 cc है, थोड़ा ऊपर नहीं ले जा पाया, थार हमारी ऊपर चल गई हुई है और हार्ले भी। और मेरी बाइक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ तक थार गई है और देखिए ऊपर चढ़े हुए सारे जने। और ये मेरी रॉयल एनफील्ड है, तो आपको बताता हूँ कहाँ से आया हूँ। ये देखिए सर, बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। और आपको मैं इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ दूसरी साइड क्या है। बाइक मैं इसका अपनी ऑफ कर देता हूँ, पहले ऑफ है। सो चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ आपको मैं अच्छी सी लोकेशन कुछ। ये चेक करिए नीचे, हम वहाँ से आए हैं, वो मंदिर बना हुआ है ना, और देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो वो मंदिर है जहाँ वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हम निकले थे और एक रास्ते ऊपर चढ़े थे और इस पहाड़ से पीछे से होके, और हम थोड़ा जूम हो गया मेरा, यहाँ से हम यहाँ तक आए थे और बाकी जाने वो सामने खड़े थार में बाइक। एक्चुअली उनका थोड़ा 650 cc, 750 cc है और थार है ऊपर चढ़े हुए। थोड़ा मेरे को साह भी चढ़ गया, एक्चुअली ऊपर चढ़ा था ना पहाड़ के, तो पानी वगैरह पी लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट बाइक माय रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। चेक करें आप, चेक नीचे बहुत सड़क है मैग्नेटिक हिल की। देखिए गाइस, सुबह मिलते हैं आपको नीचे जाके।
सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं मैग्नेटिक हिल से और आगे चलते हैं। सो हमने अपनी बाइक वहाँ पे चढ़ा दी थी बहुत ऊपर, फर्स्ट बाइक हमारी रॉयल एनफील्ड की। सो गाइस बहुत अच्छा व्यू है बर्फ़ का पहाड़ों के ऊपर। सो गाइस अगर यहाँ पे स्नो पड़ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। ले 29 किलोमीटर यहाँ से है, 1-1.5 घंटे से हम मैग्नेटिक हिल पे ही थे। सो गाइस फाइनली सामने देखिए आप, लेह लद्दाख दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ है। सो गाइस चेक करिए सामने, बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। सो आई थिंक यहाँ पे पर्ची कटा रहे हैं, पर्ची कटाने पड़ेगी किसी चीज़ की। क्या भैया है टोल, टोल HP नंबर का भी टोल होता है, 20 रुपये है ना। वो प्राइवेट है क्या करो। सामने देखिए कितनी हरियाली है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है गाइस यहाँ से देखिए आप। तो हम फाइनली ले पहुंच चुके हैं, वेलकम टू ले नुब्रा वैली, सीधा मनाली पेंगोंग तोशो। सो चेक करिए हम ले सिटी में पहुंच चुके हैं और ये यहाँ से जाना है सीधा। वेलकम टू ले, सो हम ले पहुंच चुके हैं, ये आ गया गेट। हम पहुंच चुके हैं ले की मार्केट में, ये दिखाता हूँ आपको सामने, ये देखिए जो हम रूम वगैरह हमने ले लिया हुआ है और मैं जा रहा हूँ अकेला मार्केट घूमने के लिए और सारे थके हुए थे इसलिए उन्होंने जाना नहीं है। एक्चुअली सुबह हमने जाना है पेंगोंग लेक, सो मार्केट इसलिए घूम तो सकते नहीं है तो इसलिए मार्केट में अकेला जा रहा हूँ। मार्केट में जाके आपको मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हम लेक की मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई है और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खाएंगे। ये देखिए आप मार्केट, यहाँ पे मार्केट है ले की। सो गाइस फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं लेकी, बहुत ही अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं।